बालोद जिले में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 7 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने सोने चांदी के जेवरात और नकदी जब्त की है। दरअसल थाना बालोद में झलमला बालोद और कोरगुड़ा के ईंट फैक्ट्री में चोरी हुई थी। इस मामले में आरोपियों की पता साजी के लिए थाना प्रभारी बालोद रविशंकर पांडा, साइबर सेल प्रभारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई थी। पुलिस ने 3 प्रकरणों में कुल 7 आरोपियों से चोरी किए गए सामान बरामद किए हैं। बालोद थाना के अंतर्गत 3 चोरियां हुई थी, अलग अलग डेट में हुई थी। एक 3 नवंबर को हुआ था, एक 15 नवंबर और एक जो हुआ था वो 12 नवंबर को। तीनों ये चोरियां हुई थी जिसको साइबर की टीम और बालोद थाने की टीम दोनों ने मिलकर संयुक्त कार्रवाई करते हुए लगभग 7 चोरों को गिरफ्तार किया था। ये जो पहला मामला था वो 3 नवंबर का मामला था, जिसमें दोपहर को लगभग 2 से 3 के बीच में ये चोरी हुई थी, जिसमें लगभग 2,84,000 के जेवरात जो हैं चोरी हुए थे। उसमें कुछ जो बिल प्रस्तुत नहीं किया गया था तो वो भी हमने बरामद किया है। उसमें लगभग 3 लाख के जेवरात हमारे बरामद हुए हैं और उसमें एक आरोपी लक्ष्मण सिंह ठाकुर, जो कि ग्राम संबलपुर डोंडी लोहारा का है, उसको गिरफ्तार किया है।